नमस्कार केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। भगवंत खूबा ने चिंचोली तालुक का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी ने बेलगावी से पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को मैदान में उतारा, सांसद अनंत कुमार हेगड़े को हटाया गया। गौड़ा ने कर्नाटक की पार्टियों से कहा मेकेदाटू को घोषणा पत्र में शामिल करें। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना को पीएम मोदी ने बताया दर्दनाक, सीएम मोहन यादव ने कही अपार्थ। वृंदावन में हेमा मालिनी ने खेली होली, बोली 400 से अधिक सीटों पर हो जीत। देखते समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने आज पेदानगर के विद्यानगर के पास प्रभु श्रीराम मंदिर और चांगलेरा गांव में श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर में पूजा की और भगवान के दर्शन किए। बाद में चिंचोली तालुके के मारपल्ली गांव के एक कार्यकर्ता चंद्र शेट्टी ने अपने घर पर नाश्ता किया, परिवार और गांव के बुजुर्गों के साथ परामर्श किया और कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की। विरियाना गांव का दौरा किया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगजीवन रूड़ी पाटिल से मुलाकात की, पार्टी संगठन पर चर्चा की। उसी गांव में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता कृष्णा यादव के घर गए, उनके परिवार को सांत्वना दी और प्रोत्साहित किया। और कल्लूरा रोड गांव का दौरा कर बीमारी से जूझ रही पार्टी कार्यकर्ता मंजू भोवी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और परिवार को ढांढस बंधाया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने रविवार 24 मार्च को कर्नाटक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को बेलगावी से मैदान में उतारा है, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में रिश्तेदार मंगला सुरेश अंगड़ी कर रहे हैं। शेट्टार का टीएनएम ने पहली बार जनवरी में अपने केवल सदस्यों के न्यूज लेटर पावर ट्रिप पर रिपोर्ट दी थी। पावर ट्रिप तक पहुंच पाने के लिए सदस्य बने बीजेपी टीम ने शेट्टार के साथ बातचीत करके उन्हें बेलगावी से लोकसभा सीट की पेशकश की थी। पार्टी ने विवाद टिप्पणियों के जरिए पार्टी को शर्मिंदा करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर कन्नड़ के सांसद अनंत कुमार हेगड़े को हटा दिया है और उनकी जगह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी को उत्तर कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामित किया गया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर, जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, मौजूदा सांसद बीएन बाजेगौड़ा की जगह चिकपल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। गौड़ा लंबे समय से भाजपा से अलग थे और हाल ही में उन्होंने पार्टी छोड़ी है। रायचूर से राजा अमरेश्वर नायक को उम्मीदवार बनाया गया है। इस घोषणा से कर्नाटक में केवल चित्रदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर भाजपा उम्मीदवारों की कुल संख्या 24 हो गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस सीट के लिए पूर्व मंत्री गोविंद काजोल और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी के नाम पर विचार चल रहा है। हालांकि इन उम्मीदवारों के प्रति स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी हुई। इस बीच भाजपा के गठबंधन सहयोगी जनता दल सेक्युलर 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्व पीएम और जेडीएस सुप्रीमो एच डी देवेगौड़ा ने रविवार को राज्य के सभी राजनीतिक दलों से लोकसभा चुनाव के लिए प्रस्तावित मेकेदाटू संतुलन जलाशय और पेयजल परियोजना को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डीएमके द्वारा मेकेदाटू परियोजना के विरोध की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कर्नाटक विशेषकर बेंगलुरु में पीने के पानी की कमी को कम करने के लिए आवश्यक है। गौड़ा ने कहा कि इस परियोजना से कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को मदद मिलेगी। टीएनए के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मेकेदाटू परियोजना का विरोध करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव के बाद राज्य में सभी दलों को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक साथ लड़ना चाहिए। हम मेकेदाटू को जेडीएस घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। कांग्रेस जो जम्मू के साथ गठबंधन में है, अपने घोषणा पत्र में इसकी घोषणा करे। उन्होंने कहा, गौड़ा ने कहा कि सीएम सिद्धरामैया ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि उनकी सरकार मेकेदाटू सहित कई परियोजनाओं को लागू करेगी। मेकेदाटू मुद्दों को उठाने का श्रेय अकेले मुझे न ले। तीनों दलों भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस को अपने घोषणा पत्र में घोषणा करने दें और हम सभी परियोजनाओं को लागू करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान फैली आग की घटना पर पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कहा, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई दुर्घटना बेहद दर्दनाक है। मैं घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य सरकार के मार्गदर्शन में स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, भगवान की कृपा से कोई बड़ी
त्रासदी नहीं हुई। एक तरह से यह एक खतरे की घंटी है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। मैंने उज्जैन और इंदौर दोनों जगह घायल हुए लोगों से मुलाकात की है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं। घायलों का उचित इलाज किया जाएगा और हमने प्रशासन से कहा है कि उन सभी को कम से कम 1,00,000 रूपये देकर मदद की जाए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में चुनावी तैयारियां जोरों पर है। अलग अलग सियासी दलों द्वारा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। ऐसे में रणनीतियां बनाई जा रही हैं। वहीं चुनाव में भाषणों के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोग तक अपनी बात पहुंचाने की होड़ लगी हुई है। इस बीच भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों के 5वीं लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में कई लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। वहीं कई लोगों को चुनाव का टिकट दिया गया है। ऐसे में चुनाव से संबंधित खबरों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। लेते एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी के इस लिस्ट कई बड़े नाम कट गए हैं, जो अपने आप में बड़ा सरप्राइज है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को 5वीं सूची 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इस लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की जगह गाजियाबाद से स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया है। वहीं बिहार के बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटकर उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। इतना ही नहीं, यूपी के पीलीभीत से वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर उनकी जगह योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वरुण का टिकट काटा है, लेकिन बीजेपी उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से फिर से चुनाव लड़ा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को ओडिशा के संबलपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का भी नाम है। उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया गया है। कुछ देर पहले ही भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व सांसद नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं झारखंड के दुमका से भाजपा से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। सीता सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है और पिछले दिनों उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। अयोध्या स्थित राम मंदिर में सोमवार को भव्य होली उत्सव मनाया जा रहा है। सुबह ही अलग अलग जगहों से लोग मंदिर पहुंचे और उन्होंने मूर्ति पर रंग और गुलाल चढ़ाया। अपने आराध्य को होली पर रंग चढ़ाकर भक्तों में खुशी की लहर छा गई। राम भक्तों के उल्लास से पूरा राम जन्मभूमि परिसर रंगों के त्योहार की खुशी में डूब गया। राम मंदिर के प्रांगण में पुजारियों ने मूर्ति पर पुष्प वर्षा की और भगवान के साथ होली खेली। साथ ही राग भोग और श्रृंगार के तहत भगवान को अबीर गुलाल अर्पित किया गया। पुजारियों ने भक्तों के साथ होली के गीत गाए और रामलला को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति के सामने डांस किया। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने कहा, रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली होली मनाई जा रही है। रामलला के आकर्षक मूर्ति को फूलों से सजाया गया है। माथे पर गुलाल लगाया गया है। इस अवसर पर रामलला की मूर्ति ने गुलाबी पोशाक पहनी थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में वामपंथी संगठनों ने बाजी मार ली है और आरएसएस से संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी को बड़ा झटका लगा है। चार साल के अंतराल के बाद हुए चुनाव में अखिल भारतीय छात्र संघ एआईएसए के धनंजय ने 2,598 वोट हासिल करके जेएनयूएसयू अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। वहीं एबीवीपी के उमेश सी अजमीरा ने 1,676 वोट हासिल किए। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के अभिजीत घोष ने एबीवीपी की दीपिका शर्मा को हराकर उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। वाम समर्थित बीएपीएसए उम्मीदवार प्रियांशी आर्य ने एबीवीपी के अर्जुन आनंद को हराकर महासचिव पद जीता।
होली के अवसर पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है, लेकिन टिकट की उपलब्धि के कारण और सीट नहीं मिलने की दिक्कतों का लगभग हर किसी को सामना करना पड़ता है। होली से महीनों पहले ट्रेनों में सीटों की बुकिंग फुल हो जाती है, ऐसे में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हर साल होली से पहले ही भारतीय रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनें चलाई जाती है, यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसलिए इन ट्रेनों को चलाया जाता है। ऐसे में रेलवे द्वारा पर कौन सी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर खुद रेलवे की तरफ से दी गई है। बता दें कि होली के मौके पर देश के अलग अलग शहरों के लिए रेलवे द्वारा अलग अलग मार्गों पर कई स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाता है। घर जाने से लेकर घर से वापसी तक को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों को संचालित किया जाता है, यानी ये ट्रेन होली के बाद भी कुछ दिनों तक संचालित की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी होली से काफी महीनों पहले ही ट्रेनों में बुकिंग फुल दिखने लगी और रेलवे स्टेशन पर मारामारी सी नौबत देखने को मिल रही थी। ऐसे में इस साल भी स्पेशल ट्रेनों को चलाया गया जिसके जरिए लोग अपने घरों तक आसानी से पहुंच गए। मुस्लिम समुदाय के पवित्र माह रमजान के दौरान गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग वाले एक प्रस्ताव पर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में मतदान किया जाएगा। अमरीका प्रायोजित प्रस्ताव पर शुक्रवार को रूस और चीन की ओर से वीटो किए जाने के बाद नया प्रस्ताव लाया गया है। अमरीका के प्रस्ताव में इसराइल हमास युद्ध को लेकर तत्काल और स्थायी संघर्ष विराम की मांग की गई थी। अमरीका ने चेताया कि सोमवार सुबह जिस प्रस्ताव पर मतदान हो रहा है उससे अमरीका मिस्र और कतर की ओर से शत्रुता रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास प्रभावित हो सकती है। ऐसा होता है तो इस नए प्रस्ताव पर भी वीटो किए जाने की संभावना बढ़ जाएगी और इस बार वीटो अमरीका करेगा। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। भगवंत खूबा ने चिंचोली तालुका का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी ने बेलगावी से पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को मैदान में उतारा, सांसद अनंत कुमार हेगड़े को हटाया गया। गौड़ा ने कर्नाटक की पार्टियों से कहा मेकेदाटू को घोषणा पत्र में शामिल करें। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना को पीएम मोदी ने बताया दर्दनाक, सीएम मोहन यादव ने कही यह बात। वृंदावन में हेमा मालिनी ने खेली होली, बोली 400 से अधिक सीटों पर हो जीत। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।